हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड डिस्कस किस टॉपिक के बारे में करेंगे और यह टॉपिक कहाँ से है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बताते हूँ। हम डिस्कस करेंगे आज ग्लूकोमा, ठीक है, एंड कि डिस्कस अबाउट द ग्लूकोमा विच द टॉपिक ऑफ द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, ठीक है, सॉरी सेकंड ईयर। बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का एक टॉपिक है और एमएसएन के अंदर, यानी कि एमएसएन फर्स्ट के अंदर जो हमारी क्या चल रही थी, एमएसएन फर्स्ट चल रही थी और उसके अंदर क्या था, आई सिस्टम, ठीक है। आई सिस्टम की दो डिजीज हो चुकी थी, एक तो कंजक्टिवाइटिस हो चुका था, एक अपाकिया हो चुका था, जो कि इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं थे लेकिन कभी कभी आ सकते हैं एग्जाम। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा, यानी कि जो ग्लूकोमा होगा, ग्लूकोमा क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग जो सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम होता है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ग्लूकोमा 99% क्या होता है, 99% एग्ज़ाम के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लूकोमा होता क्या है, तो ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर, यानी कि ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द फर्स्ट एबनॉर्मल हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। एक क्या होता है, फर्स्ट एक डिसऑर्डर होता है, यानी कि एक डिसऑर्डर होता है, आई का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आईओपी होता है, आईओपी का मतलब जानते हो, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, यानी कि जो आई के अंदर पाया जाता है, जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है और हाई होने की वजह से क्या हो जाता है, आई के ऊपर प्रेशर पड़ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आई डैमेज हो जाती है, इस कारण क्या होता है, ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। यानी कि एबनॉर्मल हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी कि आईओपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाते हैं, आई के अंदर डैमेज होते हैं, या फिर ये तो क्या होगा, इसका फर्स्ट कारण होगा। फर्स्ट कारण क्या होता है, या तो आईओपी बढ़ जाए, आईओपी इंक्रीज हो जाए। जो सेकंड कारण होगा, जो सेकंड कारण ये होगा कि जो ऑप्टिक नर्व होगी वो डैमेज हो जाए, ऑप्टिक नर्व की डैमेज होने के कारण भी हो सकता है। जो थर्ड रीजन देखने को मिलता है ग्लूकोमा क्यों होता है, तो पेरिफेरल विजुअल फील्ड, यानी कि जो हमारा विजुअल फील्ड है, आई के अंदर जो विजुअल फील्ड है, अगर वह लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ग्लूकोमा होने के चांस होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस थी और कुछ कारण थे कि इनकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, ये कुछ रीजन थे। उसके बाद देख लेते हैं, ग्लूकोमा इज ए कंडीशन ऑफ द आई, यानी ग्लूकोमा इज ए कंडीशन ऑफ द आई वेयर द इंट्राओकुलर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल, यानी कि ये चीज़ मैंने पहले बता दिया था कि आईओपी बढ़ जाएगा इनका, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये देखिए आईओपी बढ़ गया है, यानी कि आईओपी बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल लेवल से क्या होगा, एबनॉर्मल हो गया और नॉर्मल लेवल से एबनॉर्मल हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर बता दूँ, जो नॉर्मल आईओपी है, नॉर्मल आईओपी कितना होता है, किसी को पता है तो कमेंट जरूर कर दें कि जो नॉर्मल आईओपी होता है वो कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करनी। तो नॉर्मल आईओपी होगा वो कितना होगा, 12 to 22 एमएम ऑफ एचजी होगा। ध्यान रखना, जो नॉर्मल आईओपी होता है 12 to 20 एमएम ऑफ एचजी होता है, ये क्या है, मैंने बता दिया इसके अंदर आ गया था, ठीक है। ग्लूकोमा किसके, यानी कि जो आईओपी होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 99% चांस किसके हो जाते हैं, ग्लूकोमा आईओपी इंक्रीज होने के कारण होते हैं, ठीक है। अगर एक कंडीशन और है, अगर अनट्रीट ग्लूकोमा, अगर ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रिजल्ट विजुअल फील्ड लॉस, यानी कि अगर टाइम रहते हुए अगर ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया गया तो विजुअल लॉस है, हमारा जो विजन है, हमारा विजन है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि जो आई विजन है, आई विजन परमानेंटली लॉस हो सकता है। जो ऑप्टिक नर्व होती है आई के अंदर, वो ऑप्टिक नर्व क्या होती है, परमानेंट लॉस हो सकती है, तो इस वजह से ग्लूकोमा का ट्रीट कराना, प्राइमरी स्टेज के अंदर ग्लूकोमा का ट्रीट कराना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देख लेते हैं काजेज एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि कुछ काज और रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं एजिंग, यानी एजिंग के अंदर जैसे बढ़ती हुई एज है, यानी कि ओल्ड एज के अंदर क्या होते हैं, जो आई होती है, आई डिजीज ज़्यादा होती है, या फिर विजन लॉस लगभग बहुत ही डाउन चला जाता है, तो आई विजन ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, आई लॉस यानी कि ग्लूकोमा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर कुछ फैमिली हिस्ट्री, अगर मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री के अंदर जीन के द्वारा, अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को या फिर उनके किसी के फैमिली के अंदर अगर ग्लूकोमा पहले से है, तो वह क्या हो सकता है, उनके चिल्ड्रंस के
आ सकता है चिल्ड्रन को भी किसके द्वारा, और उनके जीन के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटेंशन हो रही है या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन में रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आई होती है हमारी, उसके आई के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ जाते हैं, और प्रेशर की वजह से क्या होता है, आईओपी इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने की वजह से आई विजन लॉस होने लग जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद जो कारण देखने को मिलेगा वो होगा आई ट्रोमा, यानी कि आई ट्रोमा मान लीजिए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी की और किसी रीजन की वजह से अगर आई के अंदर क्या हो जाता है, ट्रोमा हो जाता है, या फिर आई आई के ऊपर वुंड वगैरह या फिर किसी अदर कोई ऐसी चीज़ की क्या हो जाती है लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आई ट्रोमा हो जाता है, और आई ट्रोमा की वजह से आई विजन लॉस हो सकता है। उसके बाद होता है ओकुलरी सर्जरी, अगर किसी पेशेंट ने क्या किया हो, ओकुलरी सर्जरी करवाई हो या फिर आई के अंदर अगर किसी ऐसी कोई सर्जरी करवाई हो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आईओपी बढ़ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को क्या हो सकता है, ग्लूकोमा होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद प्रोलॉन्ग यूज कोर्टिकोस्टेरॉइड, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या करती है, वैसे ही कट्रैक्ट करती है, ध्यान रखना। वैसे तो क्या करती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो कट्रैक्ट करती है, कट्रैक्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो क्या करती है ये, ज़्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करने से क्या होता है, कट्रैक्ट डिजीज होता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाए, अगर ज़्यादा कोर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ किया जाए तो ग्लूकोमा भी हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोमा भी हो सकता है। उसके बाद अगर ज़्यादा कोई भी अगर पेशेंट ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, कंटिन्यू इमोशनल रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ग्लूकोमा होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कारण थे या कुछ रिस्क फैक्टर थे, इसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है, मोस्टली रिस्क फैक्टर ओल्ड एज के अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोमा देखने को मिलता है, या फिर जो आई ट्रोमा होता है उनके अंदर ज़्यादा ग्लूकोमा देखने को मिलता है, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर ग्लूकोमा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ओकुलर सर्जरी वाले पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो अगला चीज़ देखने, क्लासिफिकेशन, यानी कि ग्लूकोमा होता है कितने टाइप का होता है, किस प्रकार का ग्लूकोमा होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊँ। तो ग्लूकोमा, टाइप ऑफ द ग्लूकोमा देख लीजिए, या फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लूकोमा, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ जो ग्लूकोमा होता है वो कितने टाइप का होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये बता देता हूँ आपके अंदर। तो चलिए हम बताते हैं ग्लूकोमा, सबसे पहले देख लीजिए ग्लूकोमा को, यहाँ पर बताओ ग्लूकोमा दो प्रकार के होते हैं, मेनली ग्लूकोमा दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, कंजक्टाइल ग्लूकोमा होगा, और जो सेकंड ग्लूकोमा होगा एक्वायर्ड ग्लूकोमा होगा, ध्यान रखना। मेनली ग्लूकोमा कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होगा कंजक्टाइल ग्लूकोमा होगा, दूसरा क्या होगा एक्वायर्ड ग्लूकोमा होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कंजक्टिवल जो ग्लूकोमा होता है उसको थ्री पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर दिया, फिर कंजक्टिवल जो ग्लूकोमा होता है उसको थ्री पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट क्या होगा ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा होगा, सेकेंड पार्ट इन्फेंशियल ग्लूकोमा होगा, थर्ड पार्ट जुवेनाइल ग्लूकोमा होगा, ठीक है। ये पार्ट किसके हैं, कंजक्टाइल ग्लूकोमा के हैं, ठीक है। कंजक्टाइल ग्लूकोमा के कितने पार्ट हैं, ध्यान रखना, ट्रू कंजक्टाइनल ग्लूकोमा होगा, इन्फेंशियल ग्लूकोमा होगा, जुवेनाइल ग्लूकोमा होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो एक्वायर्ड ग्लूकोमा है, ठीक है, यानी कि जो एक्वायर्ड ग्लूकोमा है, और एक्वायर्ड ग्लूकोमा को दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर दिया, वो कौन कौन से होंगे, प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब देखिए यानी कि एक्वायर्ड ग्लूकोमा को दो टाइप के अंदर डिवाइडेड कर दिया, प्राइमरी ग्लूकोमा हो गया, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो गया। अब क्या होगा, जो प्राइमरी ग्लूकोमा है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी ग्लूकोमा था, प्राइमरी ग्लूकोमा को भी दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया है, ठीक है। प्राइमरी ग्लूकोमा को दो पार्ट में डिवाइडेड कर गया, एक तो कौन सा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, ग्लूकोमा के पार्ट होते हैं, एक एक्सप्लेन यानी कि डिस्क्रिप्शन तरीके से कम्प्लीटली पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो दोबारा से बता देता हूँ अगर समझ में नहीं आता, जो क्लासिफिकेशन है ग्लूकोमा का, ग्लूकोमा को मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया, एक कंजेनाइटल ग्लूकोमा फर्स्ट तो कंजेनाइटल ग्लूकोमा, सेकंड क्या होगा एक्वायर्ड ग्लूकोमा। अब क्या होगा, जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है उसको तीन पार्ट के अंदर फिर से डिवाइडेड कर दिया गया, एक तो ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा होगा, एक इन्फेंशियल कंजेनाइटल ग्लूकोमा होगा, एक जुवेनाइल कंजेनाइटल ग्लूकोमा होगा। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट था एक्वायर्ड ग्लूकोमा, तो एक्वायर्ड ग्लूकोमा को फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर दिया गया, दो पार्ट कौन कौन से होंगे, प्राइमरी ग्लूकोमा होगा, सेकेंडरी ग्लूकोमा होगा। अब फिर से जो प्राइमरी ग्लूकोमा है,
यानी कि ध्यान रखना, अब फिर से जो प्राइमरी ग्लूकोमा है तो इस प्राइमरी ग्लूकोमा को फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। लेकिन ध्यान रखना जो मेनली एग्जाम के अंदर आता है या तो डायरेक्ट ग्लूकोमा पूछेगा, नहीं तो फिर ओपन एंगल ग्लूकोमा या फिर क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। या तो क्वेश्चन आएगा ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में, या क्वेश्चन आएगा क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में, या फिर सीधा क्वेश्चन आएगा तो सीधा ग्लूकोमा के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर थे, क्लासिफिकेशंस थे, ठीक है। अब आगे चलकर हम इस वीडियो के अंदर आगे इसका एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ग्लूकोमा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको एक चीज़ बता दूं, मान लीजिए ये आई है, ये यहाँ पर लेंस हो गया, ये आई है, ठीक है, ये कॉर्निया होगा, यहाँ से क्या होगी ऑप्टिक नर्व निकल रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर है, यानी कि आई के अंदर अगर आईओपी होगा, अगर आईओपी इंक्रीज हो जाता है, तो आईओपी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ऑप्टिक नर्व होती है ना हमारी, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोमा है उसके चांस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। आगे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से इसकी थ्योरी बता दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के अंदर इसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं।